दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, जी हाँ दोस्तों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में अपने दिल की बात की वीडियो आपको कैसी लगी लिखना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों यहां पर एक न्यू पैक आया है रिलायंस जियो का वर्क फ्रॉम होम। जी हां दोस्तों, एक ये मतलब प्लान आया है, आप कह सकते हो पैक आया है। तो इस बारे में इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा और एक और खुशखबरी दूंगा रिलायंस जियो की। तो सब कुछ जानने की इस वीडियो में बनी रहेगा, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। अगर दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले खुशखबरी की, रिलायंस जियो की खुशखबरी क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पता है कि ट्राई हमेशा एक रिपोर्ट लाता है जिसमें कि मतलब ऑपरेटर्स के बारे में बताता है कि कौन सा ऑपरेटर अपने डाउनलोड अपलोड स्पीड में नंबर वन रहा है और बताता है कि आप जो ऑपरेटर यूज़ करते हो उसकी एवरेज डाउनलोड अपलोड स्पीड कितनी निकल के आई है। तो दोस्तों यहाँ पर ट्राई ने फरवरी मंथ का आप कह सकते हो 2020 की रिपोर्ट यहाँ पर सामने ला दी है, डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड की मतलब रिपोर्ट सामने ला दी है, टेस्ट सामने ला दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करता हूँ डाउनलोडिंग स्पीड की, एवरेज डाउनलोडिंग स्पीड की जो ट्राई की रिपोर्ट में निकल गया है फरवरी मंथ का सभी ऑपरेटर्स में, तो यहाँ पर जो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर बात करने वाला हूँ दोस्तों मैं आइडिया को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आइडिया की अगर बात करें डाउनलोडिंग स्पीड जो आई है सामने अब वो आई है 6.3 Mbps, वोडाफोन की आई है 8 Mbps, वहीं एयरटेल की भी सेम आई है 8 Mbps यहाँ पर आई है। और यहाँ पर जो टॉप किया है वो किया रिलायंस जियो ने 21.5 Mbps की स्पीड में, स्पीड के साथ में मतलब बहुत ही दुगनी से भी ज़्यादा अगर आप कहो तो स्पीड यहाँ पर दे रहा है रिलायंस जियो 21.5 Mbps डाउनलोडिंग में, एवरेज डाउनलोडिंग में। अगर नहीं बात करते अपलोडिंग में तो एवरेज अपलोडिंग स्पीड में कितनी यहाँ पर रही है सभी ऑपरेटर्स की, तो अगर बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर एयरटेल की, तो एयरटेल की यहाँ पर 3.7 Mbps निकल के आती है। यहाँ पर अगर बात करता हूँ आइडिया की तो 5.5 Mbps निकल के आती है, वहीं वोडाफोन 6.5 Mbps के साथ में आता है, वहीं रिलायंस जियो 3.9 Mbps के साथ में आता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो सबसे पहला नंबर किसका रहा है अपलोडिंग स्पीड के मामले में, तो अपलोडिंग स्पीड के मामले में वोडाफोन नंबर वन रहा 6.5 Mbps के साथ में। सेकंड नंबर पे आता है आइडिया 5.5 Mbps के साथ में। यहाँ पर तीसरे नंबर पे आता है रिलायंस जियो 3.9 Mbps के साथ में। और यहाँ पर जो चौथे नंबर पे आता है वो आता है एयरटेल 3.7 Mbps के साथ में। अगर बात करें डाउनलोडिंग स्पीड में तो डाउनलोडिंग स्पीड में यहाँ पर जो नंबर वन निकल जाता है वो आता है रिलायंस जियो 21.5 Mbps के साथ में। दूसरे अगर आप नंबर पे कहो तो यहाँ पर आपका निकल के आता है एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया दोनों ही। और आइडिया की अगर बात करें तो 6.3 Mbps यहाँ पर निकल के आती है। तो ये रही पहली खुशखबरी रिलायंस जियो की, जो कि डाउनलोडिंग स्पीड सबसे ज़्यादा रही है सभी ऑपरेटर्स में। मैं बात करने वाला हूँ वर्क फ्रॉम होम पैक के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक वर्क फ्रॉम होम पैक बहुत तेज़ी से लोग इसके बारे में क्वेश्चंस मुझसे अचानक से पूछने लगे, क्योंकि कल से यहाँ पर जनता कर्फ्यू आप कह सकते हो लागू हो रहा है और इसके चलते यहाँ पर बहुत तेज़ी से क्वेश्चन आने लगे भैया कि ये वर्क फ्रॉम होम पैक क्या है और क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वर्क फ्रॉम होम एक वही पैक है जो कि आपको 251 रुपीज़ का मिलता है, जिसमें कि 51 डेज़ की वैलिडिटी मिलती है, 2 GB यहाँ पर डाटा पर डे मिलता है और जो टोटल डाटा मिलता है वो 102 GB डाटा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 251 उसके लिए पे करना पड़ेगा। ये सिर्फ डाटा प्लान है जो कि आपके परमानेंट प्लान, अभी आप जो परमानेंट मतलब जो अभी प्लान यूज़ कर रहे हो, बेसिकली आपने जो 399 या 444 या 535 या 599 का रिचार्ज करा रखा है उसके साथ आप इसको ले सकते हो ताकि आप ज़्यादा डाटा यूज़ कर सको अगर आपकी डेली लिमिट खत्म हो जाती है। तो वर्क फ्रॉम होम वही सेम टू सेम 251 रुपीज़ वाला प्लान है, कोई चेंजेस नहीं है। लोग इसलिए कमेंट कर रहे हैं, सोच रहे कोई नया पैक आया, ऐसा कुछ नहीं है। 251 का है, 51 डेज़ की वैलिडिटी है, 2 GB डाटा पर डे है और ये आपको पहले भी पता ही था पैक। तो बस ये इस वर्क फ्रॉम होम इसलिए रख दिया गया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग अब वो जो वायरस होने वाला है कोरोना वायरस, उसके चलते बाहर नहीं निकल रहे और घर में ही काम कर रहे हैं, तो अपना काम जो भी है ऑफिस का वो घर से ही निपटा रहे हैं और उसके लिए ज़्यादा डाटा लग रहा है। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नाम दे दिया वर्क फ्रॉम होम पैक, नथिंग एल्स, और कुछ यहाँ पर नहीं है। दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सुधार टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो दिखाता हूँ। फिलहाल कितने दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।